दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एलर्जी विशेषज्ञ, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल साइंस का विषय, जो कि मैं कहूंगा कि जिसमें दुनिया की सबसे कम समझी गई बीमारियों में से ये एक है और सबसे ज्यादा होने वाली भी, और वो है अवसाद या डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बेहद कॉमन बीमारी है, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है अवसाद या डिप्रेशन होना। डिप्रेशन में दरअसल होता क्या है, व्यक्ति जैसा कि आप जानते हैं दुखी रहता है, अकेले रहना चाहता है, उसकी भीतरी सोच में नकारात्मकता होती है और वह यह मानता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, उसका कोई भी नहीं, वह एक फेलियर है, असफल व्यक्ति है, वो करियर में कुछ नहीं कर सकता, और इस तरह की थॉट प्रोसेस की वजह से वह अकेला होता चला जाता है। डिप्रेशन दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी, जैसे मैंने कहा 15% लोगों को प्रतिवर्ष डिप्रेशन अपना शिकार बना सकता है। और ऐसे में इतनी ज्यादा होने वाली बीमारी और जिसका इम्पैक्ट करियर खराब होने, रिश्ते खराब होने, डिवोर्स और पढ़ाई में बुरा असर पड़ने स्टूडेंट्स की, या करियर का खराब हो जाने पर पड़ता है, इतनी महत्वपूर्ण बीमारी को हम लोग समझते नहीं, इस पे बहुत कम जागरूकता है। और ऐसे में हम किसी परिवारजन या अपने दोस्तों को इस तरह की सलाह दे रहे होते हैं कि भाई तू खुश क्यों नहीं रहता, खुश रहकर तो देख, दुनिया इतनी खूबसूरत है, देख मैं कितना खुश रहता हूं और तू रहता ही नहीं, तू तो मुंह फुलाए बैठा रहता है, तू किसी से मिलता नहीं, और चल दो पैक पीते हैं और तेरा गम भुलाते हैं। इस तरह की कई सलाह दरअसल डिप्रेशन वाले व्यक्ति को मदद नहीं कर रही होती, बल्कि उसे उल्टा नुकसान पहुंचा रही होती है। कैसा हो यदि हम किसी ब्लाइंड व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को ये कहें कि तू देख कर तो देख, तेरी गलती है जो तू नहीं देख पा रहा, मैं देख सकता हूं तू भी देख सकता है। तो ज्यादातर केसेस में डिप्रेशन या अवसाद के लिए लोग उनके इस एटीट्यूड के लिए उस व्यक्ति को ही जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं कि तू डिप्रेस है तो इसमें तेरी ही गलती है, तू चाहे तो खुश रह सकता है बट तू नहीं रहता। लेकिन सच ये नहीं, हमारा मस्तिष्क अद्भुत है, मनुष्य का मस्तिष्क। डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन हमारे मस्तिष्क में नेनोक्रैम की सीरोटोनिन और डोपामिन नाम के दो महत्वपूर्ण रसायनों के अनुपात में परिवर्तन से होता है, और आपका या मेरा यह अनुपात यदि अभी संतुलित है तो बता दो कि इसमें मेरा या आपका बिल्कुल भी योगदान नहीं, ये प्रकृति का गिफ्ट है मात्र। और जिसका यह अनुपात, जिसके मस्तिष्क में सीरोटोनिन और डोपामिन का खराब हुआ है, गड़बड़ हो गया है, असंतुलित हो गया है, उससे हमें उसके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं। तो डिप्रेशन प्रमुखतः दो तरह के होते हैं, एंडोजिनस डिप्रेशन और परिस्थितिजन्य डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन, जो कि मैंने बताया, अनुपात में सीरोटोनिन और डोपामिन की कमी की वजह से होती है, जिसके कारण कुछ भी नहीं हो सकते हैं या अनुवांशिक भी हो सकते हैं, जिसमें बाहरी कारणों का कोई खास महत्व नहीं होता। बल्कि परिस्थितिजन्य डिप्रेशन में हम सब कभी ना कभी कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए डिप्रेस होते हैं और उससे उबर जाते हैं। कोई भी बुरा इवेंट हमारी लाइफ में हो, हम फेल हो जाएं, हम असफल हो जाएं, हमारी नौकरी छूट जाए, डिवोर्स हो जाए, किसी करीबी की मृत्यु हो जाए, तो ये परिस्थितिजन्य डिप्रेशन एक सामान्य बात है। तो क्या किया जाए डिप्रेशन से उबरने के लिए? पहले तो मैं बता दूं कि पहला तो यह है कि दोनों तरह के डिप्रेशन में हमें अंतर पता होना चाहिए। एंडोजिनस डिप्रेशन में बिना किसी बाहरी दुख या बहुत छोटा सा भी दुख होगा, वो व्यक्ति को डिस्प्रोपोर्शनेटली दुखी कर देगा, बहुत ज्यादा दुखी कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में सीरोटोनिन डोपामिन के अनुपात की समस्या है। और हर व्यक्ति, हम सोचते हैं ना कि आज मैं बहुत खुश हूं या बातूनी हूं या मैं खूब आउट गोइंग करता हूं, पार्टीज करता हूं, तो मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम में से कोई भी उसी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है जैसे कि हम में से कोई भी मलेरिया या डेंगू का शिकार हो सकता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि परिस्थितिजन्य डिप्रेशन से निपटने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जैसे फर्स्ट, पहला है कि समस्या जो भी है उसे समझें और उसका सामना करें। किसी भी डर से सामना करने का आसान उपाय है उस डर का सामना करना। बचपन में होता था ना, एक खूंटी में हमें कुछ भूत भूत नजर आता था अंधेरे में, वो लटका हुआ है और हम डर रहे हैं,
सहमे हुए हैं, चादर को लपेट रहे हैं, लेकिन हम जब जाकर उसको उसके पास जाकर देखते थे तो पता चलता था तो मात्र कोई परछाई है या कोई शर्ट टंगी हुई है, वो दरअसल अंधेरे में भूत सा दिखता, भूत नहीं है। तो डर का सामना या समस्या का सामना करना एक सबसे अच्छा उपाय होता है। कभी कभार कुछ परिस्थितियों में समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता सामना करने पर भी, तो इस परिस्थिति में समस्या को स्वीकार करना भी आना चाहिए। और ये मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत बार होता है, जहाँ खराब शादियां होती हैं, जहाँ खराब स्पाउस या खराब पति या पत्नी के साथ रह रहे होते हैं, हम स्वीकार करके चलते हैं, या खराब रिश्ते के ऐसे रिश्ते जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो परिस्थितियों को स्वीकार करना भी आना चाहिए। कुछ बीमारियां होती हैं गंभीर लंबे समय चलने वाली, हम उन्हें स्वीकार करके चलते हैं, स्वीकारना आना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एंटी डिप्रेसेंट है दुनिया में और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट, वो है आपके भीतर छुपा हुआ, और वो है एक्सरसाइज, व्यायाम। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं एक्सरसाइज के बाद एंडोर्फिन्स नाम के रसायनों को उत्सर्जित करती हैं। एंडोर्फिन्स ना सिर्फ हैप्पी हार्मोन है, एक खुशी की फीलिंग देते हैं, बल्कि ये मेंटल और फिजिकल, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दर्द से भी राहत देते हैं। तो एक्सरसाइज को अंडरएस्टिमेट मत करिए, 3 से 4-5 बार हफ्ते में एक्सरसाइज, आधे घंटे कम से कम रोज कीजिए। एक्सरसाइज किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो चाहे योगा हो या कोई एरोबिक्स एक्सरसाइज हो या जिम हो, मैं कहूँगा कि मिक्स एक्सरसाइज सर्वाधिक अच्छे होंगे। एक्सरसाइज प्राकृतिक क्यों है पता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम मनुष्य दौड़ने के लिए बने थे और विकास क्रम में हमने ये दौड़ना बंद कर दिया पिछले कुछ ही वर्षों में, कुछ 100 वर्षों में, जबकि हम लाखों वर्षों से जंगलों में रहने, दौड़ने, शिकार करने, ये सब का काम किया करते थे और प्रकृति ने हमें उस रूप में बनाया, लेकिन हमने साइंस को डेवलप कर अपनी लाइफ को शारीरिक काम के लिए बंद कर दिया। तो ऐसे में ये अप्राकृतिक होने से डिप्रेशन बढ़ा जब हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इसके बाद का जो उपाय है वो है अच्छी किताबें पढ़ना। आजकल लोग ऑनलाइन कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, मोबाइल पे, वो भी चलेगा, लेकिन अच्छे लेख, अच्छी कहानियां, ये दिमाग पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। देन आता है दर्शन, फिलॉसफी, अध्यात्म, आप इसे कुछ भी कह लें, यह एहसास होना हमारे मस्तिष्क में कि हम सब कुछ परमाणुओं के गुच्छे मात्र हैं, हम सब कुछ जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से ज्यादा नहीं। आप अपनी हार्ट रेट लेकर देखिए, अभी 80 से 120, 130 के लगभग है, मेंटेन है। क्या आपने क्या हुआ? नहीं, प्रकृति आपके लिए कर रही है, आपके लिवर, किडनी, हार्ट, सब कुछ एक नियत दर से अपने आप काम कर रहे हैं। सब कुछ तो आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, फिर क्यों ना जिंदगी को हम थोड़ा हल्के से लें, क्यों ना परिस्थितियों को हल्के से लें। इस विचार को आत्मसात करना, थोड़ा सा दर्शन हमें बेहतर बनाएगा बुरी परिस्थितियों से लड़ने में। फिर आता है रिश्ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एंटी डिप्रेसेंट हैं रिश्ते। और रिश्ते जब मैं कहता हूं तो ये सिर्फ मनुष्य से, मां से, पिता से नहीं, मैं प्रकृति से कह रहा हूं। बच्चों को, युवाओं को प्रकृति से आत्मसात करना सिखाएं, प्रकृति से रिश्ते बनाना सिखाएं। जो प्रकृति होती है ना, प्रकृति की बात होती है, तो उसमें हमारे आसपास के मनुष्य, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, वो तो होते ही हैं, उसके अलावा पशु, पक्षी, पौधे, ये सब होते हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति से प्यार करना सीख जाता है वह अकेला नहीं होता, वह डिप्रेशन का शिकार आसानी से नहीं होता। बच्चों को रचनात्मक होना आप सिखाएं। रचनात्मक बच्चा, जो रचनात्मक मतलब जब हम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लगातार हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, ऐसे लोग जो रचनात्मक रहना जानते हैं वे अकेलेपन का शिकार नहीं होते। अकेलापन किसी व्यक्ति का नाम होना नहीं है, अकेलापन दरअसल उद्देश्यहीनता में छुपा हुआ है, अकेलेपन की जड़ें। तो उद्देश्यहीन जिंदगी, एक माँ है, गृहिणी है, वो अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहती है, पालती, वह भी एक उद्देश्य है। एक डॉक्टर अपने मरीज को अच्छे से ठीक करना चाहता है, वह भी उद्देश्य है। एक छात्र अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, वह भी उद्देश्य है। जहां उद्देश्यहीनता आएगी वहां अकेलापन आएगा। तो ये तो कुछ उपाय थे परिस्थितिजन डिप्रेशन से लड़ने के, लेकिन एंडोजिनस डिप्रेशन यदि होगा तो उसमें ये उपाय कारगर नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में
अपने परिजन को या आप खुद यदि इसके शिकार हैं तो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ से जरूर दिखाएं, जहां पर सिर्फ सलाह या सिर्फ ये उपाय काम ना आ पाए उस स्थिति में आपको हो सकता है कुछ हल्के फुल्के एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत हो, दवाओं की जो कि डोपामिन और सीरोटोनिन का अनुपात मस्तिष्क में बेहतर कर पाएंगे, नॉर्मल कर पाएंगे, और हो सकता है कि कुछ दिनों में आप इस बुरे पैच से जिंदगी के निकल पाएंगे। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि नेवर बी जजमेंटल टुवर्ड्स अ डिप्रेस्ड पर्सन एज ऑल ऑफ अस आर इक्वली प्रोन टू हैव इट। अंत में मेरा वही नारा जो हम सबको साथ कहना है, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। थैंक यू वेरी मच, आपका डॉक्टर अजय तिवारी।